हेलो दोस्तों, तो उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ मोशन का लास्ट लेक्चर और आज का हमारा टॉपिक रहेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है, कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करती है, तो उसी को कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो पहले जल्दी से डेफिनेशन लिखते हैं और फिर कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें देखते हैं। चलो, सो व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद कॉन्स्टेंट स्पीड, दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये तो चलो डेफिनेशन हो गई, हमने पेपर में लिख दिया, मार्क्स पूरे मिल गए। अब थोड़ा सा समझते हैं, यहां पे स्पीड कांस्टेंट है लेकिन यहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। वेलोसिटी क्या होती है? जब स्पीड के पास डायरेक्शन भी आ जाए, मतलब डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए तभी हम बोलेंगे कि वेलोसिटी सेम है, लेकिन यहां पे डायरेक्शन सेम नहीं होती। आप देखो, मान लिया ये एक सर्कल है, ठीक है, थोड़ा सर्कल गंदा बना होगा, मेरी ड्राइंग काफी अच्छी है, ठीक है। तो देखो, यहां से अगर कोई चलना स्टार्ट किया, स्पीड तो उसकी कांस्टेंट है, डायरेक्शन देखो ऐसे चलेगा तो ये इसकी डायरेक्शन, यहां से चलेगा तो ये इसकी डायरेक्शन, फिर यहां पे है तो ये इसकी डायरेक्शन, यह 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 है तो ये इसकी डायरेक्शन। मतलब हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। कहां पे? सर्कुलर मोशन में। तो ध्यान में रखना, सर्कुलर मोशन में स्पीड भले ही कांस्टेंट हो लेकिन वेलोसिटी कभी कांस्टेंट नहीं हो सकती, क्योंकि डायरेक्शन हर पॉइंट पे क्या कर रहा है? वो चेंज कर रहा है। ध्यान में रखना इस बात को। तो ये एक्सेलरेटेड मोशन ही है, चेंज इन वेलोसिटी यहां पे हो रही है। किस वजह से? चेंज इन डायरेक्शन की वजह से। समझ में आया? स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों नहीं है? क्योंकि डायरेक्शन यहां पे चेंज होती जा रही है। समझ में आया? पक्का? ठीक है। अब यहां पे एक आपने फॉर्मूला ध्यान में रखना है, स्पीड का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला? स्पीड का फॉर्मूला। देखो, स्पीड का फॉर्मूला पहले मैं लिखता हूं, 2πr/T। यह है स्पीड, यह है रेडियस ऑफ सर्कल और यह है टाइम, ठीक है। अब सर्कुलर मोशन है तो उसका कुछ रेडियस होगा। अब देखो ये फॉर्मूला ना, ऐसे मत देखना कि कोई नया फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप पढ़ चुके हो, ठीक है, बचपन में। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है ये, ध्यान से देखो इसको, और कुछ भी नहीं है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है अपनी छोटी क्लासेस में, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। देखो सर्कुलर मोशन का ये पूरा डिस्टेंस क्या होता है? उसका पेरीमीटर होता है। क्या होता है? पेरीमीटर होता है। ये डिस्टेंस क्या है? पेरीमीटर है। डिस्टेंस की जगह क्या आएगा? बस पेरीमीटर ऑफ सर्कल आएगा और नीचे टाइम आएगा और आपका ये स्पीड का फॉर्मूला बन जाएगा। समझ में आया? ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल करते हैं एक दो जल्दी से। तो इसको रब कर देता हूं, मैं कर देता हूं। ठीक है, तो मान लिया कोई एथलीट है, ठीक है, भागने वाला, वो भागा, ठीक है, और इस सर्कुलर ट्रैक में भागा जिसका रेडियस है 28 मीटर, ठीक है, और इसको ये पूरा एक चक्कर लगाने को लगे। पहले तो रेडियस कितना है? 28 मीटर, और उसको जो टाइम लगा वो लगा मान लिया 10 मिनट्स, ठीक है। अब देखो यहां पे आपको कैलकुलेट करनी है स्पीड, तो स्पीड का फॉर्मूला तो है 2πr/T। लेकिन ध्यान में रखना, फॉर्मूला लगाने से पहले अगर लेंथ मीटर में है तो टाइम को सेकंड में चेंज करो, स्पीड जो आएगी वो मीटर पर सेकंड में आएगी, ठीक है। तो सेकंड में कैसे चेंज करेंगे इसको? 10 × 60, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड्स, तो कितना आ गया ये? 600 सेकंड्स। तो देखो कितनी आ जाएगी स्पीड यहां से, 2 × π यानी 22/7 × r, रेडियस कितना है? 28,
अपॉन टाइम कितना लगा, 600 सेकेंड्स लगे। ठीक है, तो देखो 7 × 4 = 28, क्या बचा ऊपर, 2 × 22 × 4 अपॉन 600। 4 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 4 × 15 = 60 और ये 0, 2 से कैंसिल किया, 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10। तो कितनी आई स्पीड, यहाँ से देखो 22 बचा ऊपर और नीचे बचा 75 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी आ गई स्पीड। समझ में आया पक्का, कोई प्रॉब्लम? तो ये था आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यहाँ पे आपसे स्पीड हो सकता है आपके स्पीड और टाइम दे दे और रेडियस पूछ ले, या रेडियस पूछ ले स्पीड दे दे और टाइम पूछ ले, तो आपको बस ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये तो था पूरा का पूरा मोशन चैप्टर जो आज हमारा हो गया कंप्लीट। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। पढ़ाई करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, सिंपली आप YouTube पे लिखिए मेक इट इजी और वहां पे आपको सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आपको बस उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है और आपके पास सारे टॉपिक वाइज लेक्चर्स आ जाएंगे। अभी हमारा YouTube ये जो चैनल है ये नया ही है, तो अभी धीरे धीरे हम सारी चीजें अपलोड कर रहे हैं। आप प्लीज सपोर्ट करते रहिए मेक इट इजी को और पढ़ते रहिए। लव यू।